हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं कि कल सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया और जितने भी लोगों ने इस अटेम में सफलताएं प्राप्त करी है उन सभी लोगों को मेरी ओर से और पूरे टीम एसपीसी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सीए की एग्जामिनेशन वैसे भी बहुत डिफिकल्ट होती है, वन ऑफ द डिफिकल्ट कोर्स माना जाता है और उसमें सफलताएं प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी माने थी। इट्स एन अचीवमेंट गाइज, आपको और आपके घर वालों को इस सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम इसीलिए भी बहुत खुश है कि इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें सीए फाउंडेशन का जो रिजल्ट आया है, वाओ, ऑसम। हमें इतने मैसेज और इतने स्क्रीनशॉट है, मैं क्या बताऊं। वी आर हाईली डिलाइटेड और इतना ज्यादा मजा आ रहा है इस सफलता को देखते हुए कि पैंडेमिक होने के बावजूद भी हम लोग दिल लगाकर पढ़ा रहे थे और स्टूडेंट भी पढ़ रहे थे। आप सभी जानते हैं हजारों की तादाद में लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग बैच एसपीसी से लिया था। लाइव स्ट्रीमिंग के बैच में एडवर्स सिचुएशन होने के बावजूद भी जिस तरह से स्टूडेंट्स ने पढ़ा है और जिस तरह से हमारे फैकल्टीज ने पढ़ाया है, सभी को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा इस बार 300 से ज्यादा स्कोर करने वाले लोगों की संख्या जिन्होंने एसपीसी से पढ़ा हुआ है वो संख्या 50 हो चुकी है। ये डेटा आप देख रहे स्क्रीन पे, ये 9 फरवरी तक का जो डेटा हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक आया हुआ डेटा है। उम्मीद है कि और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर काश इस बार ऑल इंडिया रैंक होता, ये कॉन्सेप्ट होता, तो बहुत सारे लोग इसमें से रैंक में आते हैं। और जितने भी लोग स्क्रीन पर है इनको मेरी ओर से विशेष विशेष खास बधाई है, क्योंकि सीए में एग्जामिनेशन पास करना अपने आप में डिफिकल्ट होता है। आप लोगों ने 300+, यानी कि अर्थात मेरे मायने में आप ऑल इंडिया रैंक हो, आपके लिए तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। आप जिंदगी में और बहुत आगे जाएं, बहुत सफलता प्राप्त करें, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। दोस्तों, और खुशी की बात इसलिए भी, इस बार पूरे 10 लोग, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, आठ नहीं, पूरे 10 लोग ऑल इंडिया रैंक जिन्होंने सी इंटरमीडिएट टीम एसपीसी से पढ़ा हुआ है, वो सारे लोग आपके सामने इस समय स्क्रीन पर है। इन सभी लोगों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, हमारी मेहनत का फल है, क्योंकि कोई भी फैकल्टी जब वो पढ़ाता है उसको, जब उसके बच्चों को जब बहुत अच्छे स्कोर आते हैं ना, तो ही रियली फील्स मोटिवेटेड। तो आज हमें मोटिवेशन मिला है, हमें पूरी तरह से समझ गया कि जिस रास्ते से, जिस तरीके से, जिस स्ट्रैटेजी से हम लोग पढ़ाते हैं वो पूरी तरह से वेरीफाइड है। और दोस्तों, मैं आपको और भी कुछ बताने जा रहा हूँ कि इस बार और मेरे पर्सनल लेवल पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि आप जानते हैं कि सीए इंटरमीडिएट में मैं एफएम इको को भी पढ़ाता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर है अभी तक का जो डेटा मेरे पास प्राप्त हुआ, यानी कल रात तक का ही डेटा, कल रात में मैंने बनाया था। एज ऑन 8 फेब 110 लोग से भी ज्यादा लोगों को एग्जम्पशन हासिल है, मेरे स्टार परफॉर्मर है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि 20 से ज्यादा लोगों ने 80 का स्कोर किया हुआ है और मेरे हाईएस्ट स्कोर ने, हाईएस्ट स्कोरर है जिनका नाम है काव्या मूर्ति, शी हैज स्कोर 90 मार्क्स। दोस्तों, ये मेरे लाइफ का हाईएस्ट स्कोर है जहां पे, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जिस तरीके से मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ाया है और जिस तरीके के नोट्स बनाए हैं उसको आप लोगों ने सभी ने बहुत सराहा, और ना कि सिर्फ आपने, आईसीए ने भी उसको वेरीफाइड किया। आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सीए में एफएम इको में इतने मार्क्स आना, आप देख सकते हो 80s के ऊपर मार्क्स, 70s, यू नो इट इज अनबिलीवेबल। आप सभी ने जो परफॉर्मेंस किया है, आप सभी की जितनी तारीफ करो कम है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैंने कुछ तो इनके सक्सेस में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। दोस्तों, बड़ी बात हमारे लिए भी है कि अंकिता मैम आज खास तरीके से बहुत ज्यादा खुश है कि जिन्होंने एक कामयाबी का नया मंजिल हासिल किया है, जिसके तहत 150 से भी ज्यादा लोगों को 60 से ज्यादा स्कोर हुआ है। इनके हाईएस्ट स्कोरर ने भी 90 मार्क्स का स्कोर किया, इनका नाम है ऋषि, ऋषि हैज स्कोर 90 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं, अभी कभी हो भी सकता है कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने अपने मन से कुछ नाम डाले होंगे, तो मैं आपको सभी को कह देना चाहता हूं कि हमारे पास सभी के स्क्रीनशॉट्स है, हमारे पास में सबका वेरीफाइड डेटा है, और उसके बाद ही हम लोग ये डेटा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारे जो क्रिटिक्स है, हमारे जो न चाहने वाले लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं ये तो फेक डेटा है, पर आप सभी लोगों को कहना चाहते हो, जिंदगी में जब हम इंसान सफलता की ओर जाते हैं तो न चाहने वाले लोग साथ में जुड़ते चलते हैं, और ऐसे लोग होना आपके साथ में बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि आपको ये हमेशा चैलेंज होता है कि हमें कुछ और नया करके दिखाना है। तो मैं आप सभी के लिए
इन सारे लोग के स्क्रीनशॉट जो है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, लोग भी इरिटेट हो जाएंगे, इसलिए मैं एक काम करने वाला हूँ, ये सारे के सारे लोग एक साथ में एक दो दिनों में जब सबका रिजल्ट आ जाएगा, आई वुड बी अपलोडिंग स्क्रीनशॉट ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स सो दैट एवरीवन कैन वेरीफाई, क्योंकि मैं जानता हूँ लोग क्या बोल सकते हैं। दोस्तों ये सत्य घटनाओं पर आधारित डेटा है, इसका ये काल्पनिक नहीं है, इसका काल्पना से या क्या बोलते हैं ये क्या बोलते हैं ये काल्पनिक कथाओं पर आधारित नहीं है, इट इज फैक्चुअल डेटा, और इसके लिए स्क्रीनशॉट भी आपको टेलीग्राम पे डाले जाएंगे, बिकॉज इतना अच्छा रिजल्ट है तो लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे। मैं सारे अंकिता मैम के स्टूडेंट्स को और FM के स्टूडेंट्स को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इको FM सॉरी AISSM में भी बहुत लोगों ने अच्छा स्कोर किया हुआ है, अभी इतना वक्त नहीं कि मैं सबका डेटा बताऊँ, पर सारे लोगों ने जो इतनी कामयाबी हासिल करी है उन सबको फिर से बहुत शुभकामनाएं, और जिन लोगों का नाम यहाँ पे नहीं लिया गया और जिन लोग का डेटा हमारे पास प्राप्त नहीं है, इस ठीक वीडियो के नीचे ठीक आपको एक लिंक मिलेगा, काइंडली क्लिक ऑन द लिंक, अपलोड योर डेटा, वी लेट लेट अस यू नो अलाउ अस टू सेलिब्रेट योर सक्सेस। हम चाहते हैं कि इन सारे लोग का रिजल्ट जो है हम सेलिब्रेट करें, जिनका रैंक आया हुआ, जिनका एग्जामेशन आया, सभी को हम लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पर एक बार हमारे पास डेटा आना बहुत जरूरी है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज क्लिक हियर एंड अपलोड योर डेटा सो दैट वी वुड बी एबल टू सेलिब्रेट योर सक्सेस। और दोस्तों जैसे कि मैंने कहना है, अभी उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने सफलताएं हासिल नहीं करी। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो एग्जामिनेशन में, दर्द तो तब होता है जब अपने दोस्त पास हो जाते हैं और हम लोग फेल हो जाते हैं। दोस्तों आपको मैं कह देना चाहता हूँ, फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि मैं खुद भी फाउंडेशन में एक बार और इंटरमीडिएट में दो बार फेल हुआ था, और आज फिर भी आपके सामने एक सक्सेसफुल इंसान बोलकर आपके सामने खड़ा हूँ। तो अगर आपको अगर फेलियर आता है तो मुझे लगता है कि फेलियर इंसान की जिंदगी में आना बहुत जरूरी है, इससे इंसान बहुत सीखता है। और दोस्तों फाउंडेशन और इंटर में जब मैं फेल हुआ तो दिल में बहुत दर्द हुआ, मेरे सारे दोस्त CA फाइनल में थे और मैं इंटर में था, वो दर्द नहीं वो दर्द डिस्को था। दोस्तों ऐसे समय पे CA फाइनल में जब मैं पढ़ाई करने लगा तो जिद थी, वो अरमान थी कि इस अटेम्प्ट को मैं फर्स्ट अट इस बार मैं CA फाइनल को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करके दिखाऊंगा, एंड आई हैव क्रैक्ड CA फाइनल इन फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। तो दोस्तों और इस फेलियर ने मुझे जिंदगी में बहुत सिखाया, उसके बाद में मुझे मेहनत करने का एक नया अंदाज मिला, मुझे समझ में आया कि जिंदगी में पढ़ने के साथ साथ में इंसान में स्मार्ट वर्क की भी बहुत जरूरी होती है। तो मैं आप सभी को कह देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के साथ साथ में मैं आपको दो तीन वीडियोस के लिंक दे रहा हूँ, जरूर उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको समझे थ्योरी सब्जेक्ट कैसे पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन के लिए प्लानिंग कैसे करते हैं, उन वीडियोस को जरूर आपको देखना है सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड यू नो कि पढ़ाई कैसे करना है। दोस्तों देखो मैं आपको समझाता हूँ, सिर्फ आपको एग्जामिनेशन में पास होना है, आप 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हो ये सही नहीं, आपकी पढ़ाई के साथ साथ में स्मार्ट वर्क होना जरूरी है, एक प्लानिंग होना जरूरी है। अगर ये स्मार्ट वर्क और प्लानिंग आती है साथ साथ में हार्ड वर्क आता है तो आप पास हो जाते हो, पर लोग मैं देखता हूँ कि रात दिन लाइब्रेरी में बैठते हैं और रात दिन पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करने का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ऐसे समय पे सफलता प्राप्त करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच द लेक्चर, और आपको आपको लगता है कि आपको एक इंस्पिरेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए कुछ आगे बढ़ने के लिए, तो मैं आपको कहूंगा आपने सभी ने मेरा मोटिवेशनल लेक्चर देखा होगा जिसके ऊपर हम आपको समझाते हैं कि पढ़ाई कैसे करना चाहिए, इससे ज्यादा ये समझाते हैं कि पढ़ाई क्यों करना चाहिए और आखिर आपके परिवार के लिए आपका सक्सेसफुल बनना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के नीचे मोटिवेशनल वीडियो का भी लिंक आपको दिया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको कुछ दो तीन पॉइंट्स कहना चाहूंगा, अगर आप ये करेंगे तो शायद से सटे में पास होने के चांसेस मेरी वजह से आपके बढ़ सकते हैं, इस ज्ञान के से बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप पढ़ते हैं तो आपने हमेशा हर कोई सब्जेक्ट का समरी नोट बनाना बेहद जरूरी है, ये बात याद रखिए, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उसको लिखकर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आपको हर सब्जेक्ट का टेस्ट तीन तीन पेपर देना बहुत जरूरी है, इसके बगैर पास होना मुझे बहुत चैलेंजिंग लगता है, बिकॉज जब तक लिखोगे नहीं तो समझोगे कैसे। तीसरी बात जो मुझे लगता है, आपके पास में जो हमने वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल करवाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको बार बार देखना बेहद जरूरी है, 8-8, 10-10 बार इन वीडियोस को देखना बेहद जरूरी है ताकि आपको चीजें याद होने लगे। चौथी बात मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट है, आपको हर किसी के लिए 14 घंटे 13 घंटे पढ़ना बेहद जरूरी है, और पढ़ते समय मोबाइल का और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जब एक पांचवी बात जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है कि आपको जो सब्जेक्ट आपको मतलब कॉन्फिडेंट नहीं दिलाता, कॉन्फिडेंस नहीं दिलाता, उन सब्जेक्ट के लिए आपने क्लास लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं हमसे ले, आप किसी से भी ले, वो सब्जेक्ट नहीं आता फिर भी आप उसके प्रयास कर रहे हो और फिर भी पास होने की उम्मीद करते हो, ये गलत है। हो सकता है वो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, उसकी क्लासेस लगा लीजिए, उसको कुछ तो उसका एक बिल्कुल अच्छे से प्लान करना बेहद जरूरी है।
सिक्स पॉइंट जो मुझे लगता है कि आपके आने वाले जो 2.5 महीने 3 महीने एग्जामिनेशन को बचे, इस बार उम्मीद है कि एग्जामिनेशन जून में होगी, जब तक का भी टाइम आपके पास मिलता है एक प्रॉपर प्लान आपका होना चाहिए जिसमें कम से कम एक बार रीडिंग और 3 बार रिविजन का होना बेहद जरूरी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग को याद रीडिंग से नहीं होता, रिविजन से होता है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग रिवाइज करने लिए उसको बार बार रीडिंग करना जरूरी है। तो रिवाइज जितने बार करोगे, मुझे लगता है इंसान के पास और फेल में सिर्फ रिविजन का अंतर होता है। तो जितने बार जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतनी ज्यादा आप रिविजन कर पाओगे, और जितनी ज्यादा रिविजन आप कर पाओगे दोस्तों उतना आपके दिमाग में ज्यादा रहेगा, और जितना ज्यादा आपके दिमाग में रहेगा उतना आप अच्छे से एग्जामिनेशन में लिख पाओगे। इसलिए लिखने के लिए आपको ज्यादा देर तक पढ़ाई करना बेहद जरूरी है, ये आपको समझना जरूरी है। जो गलतियां आपने लास्ट टाइम पे किए, पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किए होंगे, आरटीपी आपने सॉल्व नहीं किया होगा, या आपने पेपर को लिखकर नहीं देखा होगा, इन सारी चीजों को अपनी आदत में डालना अनिवार्य है। आप सभी ने इस वीडियो को देखा है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। जिन्होंने पास किया उनके लिए बहुत